ये वही ब्रांड है, वही साइज है, वही कलर भी है, ये पक्का रानी की चप्पल है, मैं सच कह रहा हूँ यार। राजा, कहाँ जा रहा है तू? क्या हुआ? सुन, अरे बता। राजा, राजा कहाँ जा रहा है? अरे हुआ क्या? राजा, अरे राजा। सिगरेट यहां कैसे आई? राजा, ऐसी वाली सिगरेट हमारे गांव में ना ही कोई पीता है और ना ही कोई बेचता है। मेरी मां मरी नहीं, उसे किसी ने मारा है। राजा, ये क्या बोल रहे हो? मेरी मां को कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो अचानक से ऐसे कैसे? मेरी मां की गर्दन पर एक निशान था। इसका मतलब रानी को किसी ने किडनैप किया है। मारने के लिए ही किया होगा। मां के हत्यारों ने रानी को भी मारने के लिए किडनैप किया? कौन है वो लोग? तुमकुर हाईवे पर एक्सीडेंट से 5 लोगों की मौत। सर, ये फोटो देखकर ऐसा लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है सर, मर्डर। जब उन्होंने मेंशन किया है कि एक्सीडेंट है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर, हमें जो 5 लाशें मिली थी और एक्सीडेंट की जगह जो 5 लाशें मिली है, उन सबकी गर्दन पर एक जैसे निशान है सर। मतलब जिस खूनी की तलाश हम कर रहे हैं, उसी ने ये 5 खून भी तो नहीं किए सर। इन 5 के भी केस फाइल स्टडी कर लीजिए, ये भी खूनी ही होंगे। नहीं सर, ये 5 खूनी नहीं है सर। तो फिर? सर, ये 5 रेपिस्ट हैं। What? Yes सर, इन लोगों पर बहुत से रेप केस दर्ज हैं। बदकिस्मती से कोई भी गवाह नहीं है। कॉलेज की लौंडिया को लॉज पे ले जाकर मौज मस्ती किया करता था, लड़कियों को उठाकर ले आता और फिर उनकी इज्जत से खिलवाड़ करता था सर। गरीब औरतों को बुलाकर उन्हें काम देने के बहाने उन पर अत्याचार करता था सर। मतलब वो सारे अत्याचार करने वालों को लिस्ट बना के मार रहा है क्या? पर बेवजह नहीं, वो सबसे बदला ले रहा है। यस सर, उसके साथ कुछ हुआ होगा या उसके अपनों के साथ कुछ गलत हुआ होगा, किसी गहरे सदमे की वजह से वो ये सब कर रहा होगा। मिस्टर संदीप। यस सर। हमारी इस कहानी की ना तो कोर्ट में और ना कानून की नजर में कोई वैल्यू है। जब तक वो नहीं मिलेगा, हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। लेट्स सी। रामचंद्र। यस सर। मुझे सभी बॉडीज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। संदीप। सर। उसकी फोटो सभी चेक पोस्ट पर भेज दो। ठीक है सर। राजा, रानी का क्या हुआ? राजा से मिलना है, बहुत मन कर रहा है। अरे राजा। उसके पायलों की आवाज़,
मेरे दिल पर छुरियां चला रही थी। मेरी कविताओं को तुम्हारी प्रेरणा की जरूरत है, मेरे दिल की धड़कनों को तुम्हारी करुणा की जरूरत है। मेरी माँ की आंखें सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार करती हैं और मेरी सांसें सिर्फ तुम्हारा इंतजार। ये जो तेरा साथ है मेरे लिए एक अनमोल सौगात है। मैं तुमसे इस कदर प्यार करता हूँ कि तुम्हारी खातिर हंसते हुए अपनी जान दे सकता हूँ। उसका अंदाजा तुम इससे लगा सकती हो।